हेलो पिलामाने, यूक्लिडन को ज्यामितीर परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री रो ए वीडियो को तुम मानक स्वागत। गत वीडियो रे आम यूक्लिड को संज्ञा उपरे आलोचना करथिले। आज आम यूक्लिड को द्वारा दि जाइथिबा श्वेत सिद्ध अर्थात एक्सियम्स उपरे आलोचना करिबा। प्रथमे आम श्वेत सिद्ध अर्थात एक्सियम्स रो अर्थ बुझिबा। साधारणतः उक्ति तीन प्रकार रो जहाँ सब सत्य जमीति सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए यह सर्वव्यापी सत्य एवं द्वितीय जहाँ सदावे असत्य जमीति मनीषर चारिटा आखि थाए एवं तृतीय होची अस्पष्ट अर्थात कौन से वाक्य जहाँ कहा उपरे निर्भर करी थाए जमीति ए उक्तिटी आज बहुत थंडा लगुची किंतु एमिति कहि थिबो जहाँ को थंडा लगुन थिला किंबा एमिति किसी स्थान जो थंडा पड़ुन थी तेणु यही उक्ति को सत्य बा असत्य कहीपर ना कि गणित केवल दुई प्रकार उक्ति हो पाए सत्य अबा असत्य जमीती चारि युक्त दुई शेषमान छ सदावे सत्य ओ चारि युक्त दुई समान आठ यह सब असत्य अटे। सत्य उक्तिर भी दुईटी वर्ग होता है। प्रथमे जहाँ सिद्ध नक सत्य मानिनेवा अर्थात सर्वव्यापी सत्य जमीती आम देखुचे चारि युक्त दुई समान छ ओ अन्यटी जहाँ साक्ष्य द्वारा सिद्ध करिबा जमीती मूलक दुई एक अपरिमेय संख्या यार मध्य दुई वर्ग अच्छी। प्रथमटे हूँ जहाँ गणितर सबु शाखा हुए ता हूँ स्वत सिद्ध अर्थात एक्सियम्स। अन्यटी हूँ जहाँ ज्यामिति सह संबंधित जहाँ को स्वीकार्य अर्थात पोस्टुलेट्स कहा जाए। स्वीकार्य पोस्टुलेट्स उपरे आलोचना आम आगामी भिडियो करिबा। एठारे आम यूक्लिड को द्वारा दिया जाइथिबा स्वतः सिद्ध अर्थात एक्सियम्स को देखिबा। एहार आरंभ गोटिए उक्ति रु करिबा। जदि मु कहे रोहन पाखरे जते बही अछि सोन पाखरे भी सेतिकी बही अछि सोन पाखरे जेमिति बही अछि सोनु पाखरे भी सेमिति बही अछि एही उक्ति रु आमे कौन रोहन ओ सोनु मध्ये थिबा संबंध कहि परिबा कि देखिबा। माननीय रोहन पाखरे थिबा बही संख्या x सोन पाखरे थिबा बही संख्या y ओ सोनु पाखरे थिबा बही संख्या z। उक्ति अनुसारे रोहन पाखरे जते बही अछि सोन पाखरे भी सेतिकी बही अछि अर्थात आमे कहि परिबा जे x y समान दिया जाइछि जे सोहन पाखरे जेमिति बही अछि सोनु पाखरे भी सेमिति बही अछि अर्थात y z सह समान। एठारे x y सह समान ओ z भी y सह समान। यूक्लिड को प्रथम स्वतः सिद्ध अनुसार समान प्रकार वस्तु गुड़िक परस्पर सह समान होइथांती एठारे x ओ z समान हेबे अर्थात आमे कहि परिया जे रोहन पाखरे जति बही अछि सोनु पाखरे भी सेतिकी बही अछि। यूक्लिड का द्वितीय स्वतः सिद्ध अनुसार समान को समान सह जोड़ा जीव तबे पूर्ण भी समान हेबो अर्थात जदि ए बी सह समान अटे ओ सी डी सह समान अटे तबे जदि आमे ए सह सी को जोड़ीबा ओ बी सह डी को जोड़ीबा तबे ए धन सी समान हेबो बी धन डी सह। जदि एठारे धन स्थान रे ऋण हेबो अर्थात यहाँ जोग बदले जदि आमे वियोग करिबा तबे कौन हेबो चिंता करो तबे भी कौन समान 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 हेबे हाँ हेबे। यूक्लिड का तृतीय स्वतः सिद्ध अनुसार जदि समान रु समान को वियोग करा जाए तबे शेष फल भी समान हेबो अर्थात ए ऋण सी बी ऋण डी सह समान हेबो। यूक्लिड का चतुर्थ स्वतः सिद्ध अनुसार जदि वस्तु गुड़िक जहाँ परस्पर सदृश अटंती सेगुड़िक परस्पर समान होती सदृश अर्थात सर्वसम वहीपरिजे से परस्पर सह समान जमीक रेखा ए बी रेखा बी ए सह समान कहीं दुईटी नाम गोटे रेखा को दर्शाऊँ त्रिभुज ए बी सी कोण बी ए सी समान अटे कोण सी ए बी सह कहीं दुईटी ना ही गोटे कोण को दर्शाऊँ। यूक्लिड का पंचम स्वतः सिद्ध को आसिया पूर्व गोटे सहज प्रश्न देखिबा
କୁହ, ଭାରତରେ ମୋଟ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ମୋଟ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ 28ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତ ଏହା ଭାରତଠାରୁ ଛୋଟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଭାରତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମାତ୍ର। ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱତସିଦ୍ଧରେ ବି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଭାଗଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଭାରତକୁ ଏ ମାନିନେବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବି ଓ ବାକି 27 ରାଜ୍ୟକୁ ସି ମାନିନେବା, ତେବେ ଆମେ ଏ କୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା, ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି। ୟୁକ୍ଲିଡ୍ଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦୁଇଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏ ଓ ବି ସମାନ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୁ ଏ ଓ ଟୁ ବି ସମାନ ହେବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଅଧା ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଓ ବି ସମାନ, ତେବେ ଏ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ବିର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ ବି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ବି ସମାନ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଜି ଆମେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସିଓମ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।